माय यूट्यूब चैनल एसआर सचिन एसआर। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के हूँ मैं आप लोगों के साथ। आज एक मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटर आई हुई है और उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है कि उसका जो एलसीडी मीटर है उस पर ना गियर शो कर रहा है, ना क्या बोलते हैं उस पर ना रीडिंग शो कर रही है, ना पार्किंग शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है उस पर शो नहीं कर रहा है, तो कैसे उसको सही करते हैं चलिए आज जानते हैं। एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, अगर आपने ये वीडियो को स्किप कर दिया तो आप बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत क्रिएट हो सकती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नॉर्मली तरीके से इस वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद सीख जाइए कि अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी एलसीडी को रिपेयर कर सकते हैं, काफ़ी अपने मीटर को रिपेयर कर सकते हैं। सारी चीज़ों की डिटेल जानकारी मेरे चैनल पर उपलब्ध रहती है आप लोगों के लिए। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो तुरंत कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको कर लीजिए प्रेस, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि आपके सामने ये दिखाई दे रही होगी, ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये खड़ी है और इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें गियर नहीं शो कर रहा है और किलोमीटर तो शो कर रहा है, मतलब कि जब एक्सीलेटर लेते हैं तो उसमें शो करता है किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना गियर शो कर रहा है, ना ही कोई सेंसर एक्टिव हो रहा, ना ही पार्किंग एक्टिव हो रहा है। तो आज हम लोग मीटर को रीसेट करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मीटर को रीसेट करेंगे। मीटर को कैसे रीसेट किया जाता है चलिए आज ये भी हम लोग सीख लेते हैं। आपको कोई भी नहीं बताने वाला, यहाँ तक का कंपनी नहीं बताने वाली, यहाँ तक का चाइना नहीं बताने वाला, लेकिन मैं आपको डिटेल में वीडियो बता रहा हूँ केवल एक चीज के लिए, आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल, बस और कुछ ना करना है। अभी चलते हैं एलसीडी को देखते हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो देखते हैं। ये देख पा रहे होंगे गाड़ी में पूरी एलसीडी लगी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मैंने चाबी को बंद किया, चाबी को ऑन किया और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोई भी ना सेंसर एक्टिव है ना कुछ है। अगर गाड़ी का रेस लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे स्पीडोमीटर पे नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे जो आपको किलोमीटर जो इतना पहले चल चुका है वो चीज़ यहाँ शो कर रहा था। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले शो कर रहा है और इसका मतलब कि ये मीटर चल रहा था, चलते चलते रुक गया है कस्टमर का कहना है। चाबी को करते हैं ऑन और अब चलाएंगे हम लोग स्पीडोमीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, करेंगे रीसेट स्पीडोमीटर को। तो सबसे पहले काम क्या करना होगा आपको कि यहाँ पे आपको जो है वायर को चेक कर लेना होगा कि वायर में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हम लोग करेंगे मीटर को रीसेट। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो रेड वाला वायर है ये ही है रीसेट करने का। अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे आप, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो जहाँ पे रेड वाला वायर लगा है उसके बगल में जो पॉइंट्स दिख रहा है आपको, उसको शॉर्ट कराना है। जी हाँ फ्रेंड्स, शॉर्ट कराना है और शॉर्ट कराने के बाद आपका जो मीटर है वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। तो चलिए इसको शॉर्ट करा लेते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो रेड वाला वायर है इसको पहले हम लोग अच्छी तरीके से शॉर्ट करा लेते हैं, मतलब कि इसमें जो क्लीन कर लेते हैं। हो सकता हो कि इसमें कार्बन भी आ सकता हो, ऐसा भी बहुत रियर केस में होता है। तो आप देख पा रहे होंगे अभी कुछ भी इसमें शो नहीं कर रहा है। जैसे ही नीचे वाले पॉइंट को शॉर्ट कराते हैं, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसको अगर जैसे ही आप शॉर्ट कराते हैं तो ये मीटर जो है रीसेट हो जाता है।
ये देखिए मीटर पूरा रीसेट हो गया है। अब मीटर में गियर भी शो कर रहा है और पार्किंग मोड से भी हट गया है। ये देखिए अब टॉप स्पीड जो है 99 दिखा रहा है। ये देखिए जब मीटर रीसेट होता है तब अपने आप जो है टॉप स्पीड 99 पहुंच जाती है। इसको भी सेटिंग करना सीख सकते हैं आप, मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए। इसकी जो सेटिंग है वो काफ़ी मैनुअल है, आपको कुछ नहीं करना होगा, वो भी मैं सिखा दूंगा आपको। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इस पे आपको वीडियो डिटेल में चाहिए तो मैं उस पे बना दूंगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करूंगा कि आप कुछ सीखे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।